हम अगर जो नाम लिए अहमद रज़ा का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाम तो इनका आईडी पे नहीं है, रेडमी 5 लिखा हुआ है। ये मालूम करते हैं कि मर्द पे रोज़े जो है किस उम्र में फ़र्ज़ हो जाते हैं, और जो रोज़े कज़ा हो गए होंगे तो क्या वो सर्दियों में मुकम्मल किए जा सकते हैं कि दिन छोटा होता है, रोज़ा रखने में आसानी होती है। असल में जो इबादत हैं वो जो मर्द पर फ़र्ज़ होते हैं उसमें रोज़ा हो या नमाज हो तो वो जो है वो बालिग़ होने पर ही फ़र्ज़ होगी, यानी जब लड़के को एहतलाम होगा, नाइटफॉल होगा, तो उसके बाद जो पहला रमज़ान पड़ेगा वो रोज़े उस पर फ़र्ज़ होंगे। अब अगर किसी के इल्म की कमी की वजह से या बेख्याली में वो रोज़े छूट गए होंगे तो उनको कज़ा करना पड़ेगा, और एक रोज़े का बदला एक ही रोज़ा होगा, 60 नहीं होंगे। तो ये भी आपका सवाल था कि कितने रखने हैं, तो अगर पूरे 30 रोज़े छोड़ दिए तो 30 की कज़ा, अगर 2 साल छोड़ें तो 60 की कज़ा, साथ में तौबा इस्तिग़फ़ार भी करनी पड़ेगी। और ये रोज़े सर्दियों में भी रखे जा सकते हैं, और इनको कंटिन्यू रखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक हफ़्ता रोज़ा रख के 2-4 दिन गैप करना चाहें, फिर 1-2 दिन रोज़े रख के गैप करना चाहें मौसम के हिसाब से, तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उनको जल्द से जल्द अदा करना ये वाजिब है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उन्हें जल्द से जल्द अदा किए जाएं, और काउंटिंग कर लें कि आपको इतने रोज़े मुकम्मल करने हैं। जैसे जैसे आपको लगे मौसम अच्छा है तो रख लें, बीच में फिर थोड़ा गैप कर लें, फिर 2-3 रखें, फिर गैप करें, इस तरह से करें। कंटिन्यू 60 ना रखें, गैप कर करके रख सकते हैं, और सर्दियों में भी रख सकते हैं। नजीद की